से एक बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 3 की संभावित तिथि का ऐलान किया गया। 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच परीक्षा आयोजित होने की संभावना है। बीपीएससी ने संभावित तिथि का ऐलान कर दिया है। बता दें आपको कि प्रधानाध्यापक परीक्षा की भी तिथि बदली गई, अब 28 जून को प्रधानाध्यापक की परीक्षा होगी। न्यूज 18 ने पहले ही इस बारे में जानकारी दी थी। बीपीएससी ने नई परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पीएम मोदी ने मोदी का परिवार कैंपेन को लेकर एक अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस कैंपेन से मुझे बहुत ताकत मिली। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि वो सभी लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मोदी का परिवार हटा सकते हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पूरे भारत में लोगों ने मेरे प्रति स्नेह के प्रतीक के रूप में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मोदी का परिवार लिखा था। इससे मुझे बहुत ताकत मिली। भारत के लोगों ने एनडीए को लगातार तीसरी बार बहुमत दिया है, जो कि एक तरह का रिकॉर्ड है। हम सभी एक परिवार हैं और ये संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाए जाने के बाद मैं एक बार फिर भारत के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा और अनुरोध करूंगा कि अब आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मोदी का परिवार हटा सकते हैं। एक परिवार के रूप में हमारा बंधन मजबूत और अटूट है। मोदी 3.0 की सरकार एक्शन मोड में है। मंगलवार को मंत्रियों ने अपना कामकाज संभाल लिया है। बिहार से 4 कैबिनेट मंत्री ने अपना पदभार संभाल लिया। गिरिराज सिंह ने कपड़ा मंत्रालय का पदभार संभाला। ललन सिंह ने पंचायती राज मंत्रालय का पदभार संभाला। चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण विभाग का पदभार संभाला। तो जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय का पदभार संभाला। मोदी 3.0 कैबिनेट में बिहार से 8 मंत्री बने हैं। अपने अपने विभाग की कमान संभालने के बाद सभी मोदी के मिशन 2047 के साथ विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य में जुट गए हैं। मोदी सरकार 3.0 के गठन और मंत्रालयों के बंटवारे के बाद सभी मंत्रियों ने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया है और पीएम मोदी के विजन को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने काम में लग गए हैं। खाद्य मंत्री चिराग पासवान जब अपना कार्यभार संभालने पहुंचे, तो उनके साथ पूरा परिवार भी मौजूद था। जिस कुर्सी पर कभी उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान बैठा करते थे, अब उसी कुर्सी पर बैठकर चिराग पासवान को काम करने का मौका मिला है। पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से, निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी और मैं मान